देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है, और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा, तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार बीजेपी जदयू पे पलटवार कर रही है, तो वहीं जदयू बीजेपी पे पलटवार कर रही है। वहीं बता दें आपको कि तमाम बातें निकल के सामने आ रही है, वहीं कहा जा रहा है कि एनडीए अब टूट जाएगा, 72 घंटे के अंदर एनडीए जो है वो टूट जाएगा, जदयू और बीजेपी दोनों अलग हो जाएगी, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही है, चर्चा का बिहार में विषय बना हुआ है। वहीं बता दें आपको कि ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि आरसीपी सिंह को जिस तरीके से हटाया गया है वो एक कर्मचारी थे, नीतीश कुमार जो है वो एक तरह से मंत्री है, और जिस तरीके से रेलवे में मंत्री होते हैं उनके तमाम दर्जनों कर्मचारी होते हैं, वहीं दर्जनों कर्मचारी में से एक कर्मचारी जो है वो आरसीपी सिंह थे। वहीं क्या कुछ कह रहे ललन सिंह बीजेपी को लेकर वो सुने आप लोग। अरे भाई, आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा, उन्होंने कहा कि 1998 से थे, और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे, तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। पर जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की 2009 में, लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया, तो 1998 से तो कर्मचारी थे। इसको कौन चीज सुना रहे हैं, 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बन रहे। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है, और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा, तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो, हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई, और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें, जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। तो आपने सुना, ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह दावा करते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तमाम बातें निकल के आती थी, अमित शाह जदयू के कुछ नहीं है, वहीं जदयू के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जो भी करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, वहीं ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि आरसीपी सिंह जिस तरीके से दावा करते थे मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर, कई दावे होते थे, कहीं ना कहीं यह गलत दावा था। वहीं उन्होंने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से कर्मचारी थे आरसीपी सिंह, वहीं देखा जाए तो एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी एनडीए टूट सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ललन सिंह को आपने सुना है, उनका क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।